पंजाब के खन्ना में पैसे के लेन देन के चलते एक व्यक्ति की पीट पीट कर की हत्या मामला हुआ दर्ज। पंजाब के खन्ना में लुधियाना निवासी राजन सलूजा उम्र 48 वर्ष की उन्हीं के साथियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक उनके साथी जगत सिंह उर्फ टोनी जो फाइनेंशियर का काम करता है वह उसके साथ राहुल कपूर सुरेश व हरिओम ने पैसे के लेन देन को लेकर जब राजन सलूजा की हद से ज्यादा पिटाई कर दी और उन्हें लगा कि यह मर सकता है तो वह उसे गाड़ी में डालकर दोराहा के एक निजी हॉस्पिटल के बाहर छोड़ गए। इसके बाद राजन सलूजा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने राजन सलूजा के बेटे योगेश के बयानों पर चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के बेटे योगेश ने पुलिस को बयान दर्ज करवाते हुए बताया कि रविवार की शाम आरोपी हमारे घर आए थे क्योंकि मेरे पिता उनके साथ उनकी फाइनेंशियल कंपनी में काम करते थे। वह मेरे पिता को यह कहकर साथ ले गए कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, परंतु जब काफी देर रात तक नहीं लौटे तो मैंने उनको फोन किया लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। जब मैंने आरोपी जगदीश सिंह को फोन कर कहा तो उसने कहा कि तुम्हारे पिता को लुधियाना के समराला चौक के पास छोड़ दिया था। योगेश ने आगे बताया कि जब हमें समराला चौक पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, जिसके बाद मेरे भाई ईशांत सिंगला को दोराहा थाने से फोन आया। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति हमें दोराहा के निजी हॉस्पिटल में मिला है जिसकी जेब से आपका नंबर है, आप दोराहा के राजवंत हॉस्पिटल आ जाइए। हॉस्पिटल जाकर मैंने अपने पिता की शिनाख्त की। सब इंस्पेक्टर विजय कुमार ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।